आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही डिलीशियस। यहाँ पे हमने पानी को गर्म होने रख दिया था। इसके अंदर हमने लिया थोड़ा सा नमक और ऑयल। पानी में ऑयल आने के बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स। इसे 80% तक पका लेना है हमें। नूडल्स पक चुके हैं। हमारे नूडल को हम छान लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। यहाँ पे हमने चिकन लिया जिसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 अंडे की सफेदी डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला। इसके अंदर हम हमारे चिकन को डालेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो हमारा चिकन पक चुका है। अभी हमने इसे निकाल लिया। उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, लहसुन डाला और अदरक डाला, थोड़ी सी प्याज डालेंगे। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। जिस चिकन को हमने पका लिया था उसे अभी हम इसके अंदर डालेंगे। हमने जिस नूडल्स को बॉईल कर लिया था उसे अभी हम इसके अंदर डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और विनेगर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे चिकन चाउमीन रेडी हो चुके। अभी हम इसे सर्व करेंगे। हम आपको इसे टेस्ट करके बताते हैं। तो वाओ गाइस, ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही डिलीशियस। और अगर आप कुछ करें अच्छा लगा तो शुरू लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। लाफेस।